टुडे ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन डायबिटीज इंसिपिडस ईएच मेडिसिन पार्ट टू। व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इंक्लूडिंग सेंट्रल आर क्रैनियल डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल आर क्रैनियल diabetes insipidus, also called neurogenic diabetes insipidus, nephrogenic diabetes insipidus, or dipsogenic diabetes insipidus due to malfunctions of the thrust mechanism, gestational diabetes insipidus which occur during pregnancy। ये जो है gestational diabetes insipidus ये होती है during pregnancy। diabetes insipidus pituitary glands involve होती है। pituitary gland produce in fact insufficient ADH, hence the kidney make to a lot of urine। क्या होता है इनसफिशियंट, जितनी क्वांटिटी बॉडी के अंदर चाहिए ADH की वो मिल नहीं पाती बॉडी को, तो बॉडी ऐसे में लॉट ऑफ यूरिन तैयार करती है और जिससे डिस्चार्ज करना पड़ता है, बार बार यूरिन पास करना होता है। ओके, कैन ड्रिंक टू मच वाटर कॉज डायबिटीज इंसिपिडस? कॉज क्या है? तो यहाँ पर हम दे सकते हैं, यहाँ पर एस ए डी एच के लिए इंसर्ट करते हैं पहले नंबर पे S1 ले लेते हैं। S1 कोऑपरेटिव मेडिसिन में आ जाती है, इम्यून सिस्टम इंक्रीज करती है। इम्यून सिस्टम फेल होने की वजह से ये कॉज बनता है, प्लस C17 डिफिशेंसी क्रिएट हो रही है, डिफिशेंसी क्रिएट हो रही है। तो जहाँ पे क्रिएट डिफिशेंसी हो या कमी आ रही है वहाँ हम पॉजिटिव मेडिसिन का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा A1। A3 भी यूज कर सकते हैं, ऑब्लिक कर देते हैं, A3 प्लस यहां पर F1 आ जाएगा। ओके, फिर यहां पर इंक्लूड होगा प्लस आ रही। ओके, ये यहां पर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कैंट्रिंग कैन ड्रिंक टू मच वाटर कॉज डायबिटीज इंसिपिडस? अगर कोई ज़्यादा पानी पी रहा है, ज़्यादा वाटर ले रहा है, तो क्या उसकी वजह डायबिटीज इंसिपिडस है? प्राइमरी पॉली डायप्सिया,
polydipsia, also now as dysphagenic diabetes insipidus. This is condition can cause productions of large amounts of dilute urine. ठीक है, also now जैसे कि हम जानते हैं dysphagenic diabetes insipidus, this condition can cause, ये condition बताइए, productions of large amounts of diluted urine. The underlying cause is drinking an excessive amount of fluid. Primary polydyspepsia can be caused by damage to the thirst regulating mechanism. इसमें क्या होता है, थर्स्ट जो हमें पानी वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए इन्फॉर्म करता है वो मैकेनिज्म यहाँ पर फेल हो रहा है. हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन्वॉल्व होती है. क्या है, प्राइमरी पॉलीडिस्पेप्सिया कैन बी कॉज बाय डैमेज, डैमेज हो गई, ख़त्म हो गई किसी तरीके से, टू द थर्स्ट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इन द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करता है. तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड की हम मेडिसिन क्या दे रहे हैं, C17. ओके, पिट्यूटरी न्यूक्लियस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, न्यूक्लियस ऑफ सेल बॉडी, कैपिलरीज, न्यूक्लियस ऑफ सेल बॉडी. अब यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ सेल बॉडी पे हम S1 यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं सेम मेडिसिन यहां पर दी गई है. कैपिलरीज जो सेल्स को न्यूट्रिशंस पहुंचाने का काम करते हैं. सेल बॉडी, पैराबेंट्रिकल न्यूक्लियस जिस पे F1 काम करेगा, सुपर न्यूक्लियस F1 आएगा, एक्सोन यहाँ पर C17, A1, F1 सब मिलकर के काम करें. हाइपोथैलमो, हाइपोप्लेसिया ट्रैक्ट, ये सारा सिस्टम इस पर एक साथ जनरेट करेगा. एक्सोन टर्मिनल न्यूरल लोब, ये सारे सिस्टम मिलकर के ADH रिलीज करेंगे. ये ब्लॉडर्स, हाउ मच वाटर शुड ए डायबिटीज इंसिपिडस ड्रिंक, कितना पानी पी सकता है एक डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट्स. योर जनरल पोजिशन आर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ए स्पेशलिस्ट इन हार्मोन कंडीशन में एडवाइज यू टू ड्रिंक ए सर्टेन अमाउंट्स ऑफ वाटर एवरी डे, यूजली एट लेट्स 2.5 लीटर, मीन्स 2.5 लीटर वाटर हमें डेली लेना होता है एक नॉर्मल कंडीशन में. इससे ज़्यादा बॉडी के हिसाब से होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से यूज़ होता है और वर्क के हिसाब से यूज़ होता है, अकॉर्डिंग वर्क टेम्परेचर्स और अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज कॉज ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, जैसे कि सो कोल्ड वेदर देर लॉट ऑफ अमाउंट यूरिन डिस्चार्ज और लेस देन वाटर टैंक. ओके, और समर ड्यूरिंग लॉट ऑफ वाटर टैंक बट लिटिल अमाउंट्स ऑफ डिस्चार्ज यूरिन, एक छोटा सा अमाउंट डिस्चार्ज होता है. हम बहुत सा पानी पीते हैं गर्मी के दिनों में, समर के दिनों में, मई के महीनों में जब बहुत ज़्यादा सन रेज होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस वक्त जो है हमारा बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन डिस्चार्ज होता है, क्योंकि प्रेस्पायरेशन होता है. प्रेस्पायरेशन पे भी डिपेंड करता है कि जो वाटर कुछ हद तक हमारा प्रेस्पायरेशन इवेपोरेशन के ज़रिए निकल जाता है बॉडी का, कुछ हद तक ही हमारा यूरिन डिस्चार्ज कर पाता है, किडनी से डिस्चार्ज होता है. ओके, डायबिटीज इंसिपिडस, हाइपो फंक्शनिंग आर एब्सेंट डी एच, एडीएच एब्सेंट हो
या हाइपो फंक्शनिंग हो तो आरई पॉजिटिव वर्क करेगी, इंक्रीज करेगी एडीएच को। रीनल ट्यूबुलर परमेबिलिटी टू वाटर, वाटर रिजॉर्प्शन टू डिवाइड, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट वाटर रिजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट ब्लैडर डिस्टेनेशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज ब्लैडर डिस्टेनेशन, ब्लैडर का सिकुड़ जाना है या कम हो जाना, हाइड्रोनेफ्रोसिस रीनल का प्रॉपर वर्क करना है, और रीनल इंसफिशियंसी और रीनल का भी प्रॉपर कम काम कर पाना, हाइड्रोनेफ्रोसिस और वहाँ पे एक टाइप का सिस्ट का डेवलप या फ्लूड का कलेक्शन होना, हाइड्रोनेफ्रोसिस। यूरिन ऑस्मोलेटिव, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंसिपिटेड यूरिन, इंसिपिटेड यूरिन, इंटरप्टेड स्लीप प्रॉपर नींद आना, इंटरप्टेड ALDS। फिर इधर है सीरम ऑस्मोलेट, हाइपर नेट्रेमिया, स्टिमुलेट ऑस्मो रिसेप्टर्स, सीवियर थर्स्ट बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्लूड इनटेक टू रिप्लेस लॉस ऑफ लॉस ज़्यादा लेना और ज़्यादा निकालना, और ट्रैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपो वेलमिक शॉक, कभी किसी को शॉक होता है तो बार बार पानी पीता है, वाटर टेक करता है, ड्रिंक करता है, और कभी कभी हाइपरटेंशन में भी इंसान जब होपलेस होता है या कोई बात होती है बार बार ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीता है, वाटर लेता है, टेक मोर देन वाटर। हाइपर नेट्रेमिया, रेस्टलेसनेस, आराम बॉडी को ना मिला, एजिटेशंस, और सीजरस, सीजरस ये नाम है कंडीशंस के, और इन पे भी जब अलग से प्रोग्राम तैयार करेंगे तो ये पूरी एक डिजीज़ की कंडीशन में आ रहे हैं, ये सब पे एक एक लेक्चर्स होंगे, उम्मीद करेंगे ये सारे लेक्चर शॉर्ट बनाए जाएं, लेकिन अभी नहीं, बाद में ये लेक्चर्स होंगे और जिस पे इसका अलग से ट्रीटमेंट आएगा, क्योंकि कॉज तो यहाँ पे डेवलप हो रहा है लेकिन अदर्स बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी यहाँ पे केयर किया जाएगा, अदर्स कॉजेज़ भी हैं किधर से, जैसे कि इसमें से टेकेकार्डिया ये करीब करीब हार्ट डिजीज़ के अंदर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अलग से टेकेकार्डिया लेक्चर्स तैयार हो रहा है, अगर इम्पोर्टेंट समझा जाएगा तो यहाँ पे दिया जाएगा, वरना फिर कोई ज़रूरत नहीं है। हाइपोटेंशन पे है, हाइपोटेंशन कॉज ऑफ हाइपोटेंशन या हाइपोलेमिक शॉक कि किस टाइप का होता है और इसे कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बाद में इंक्लूड होंगी। व्हाट हैपेंस इफ डायबिटीज इंसिपिडस इज लेफ्ट अनट्रीटेड विदाउट ट्रीटमेंट्स, डायबिटीज विदाउट ट्रीटमेंट डायबिटीज इंसिपिडस कैन कॉज डिहाइड्रेशन, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, बॉडी में फ्लूड की कमी हो सकती है। व्हाट हैपेंस इफ डायबिटीज इंसिपिडस इज अ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए और क्या हादसा हो सकता है, हादसा यहाँ पे हैप्पीनेस, क्या दुर्घटना घट सकती है, तो इसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, इवेंचुअल कोमा जिसके वजह से कोमा में भी जा सकता है, कंसंट्रेशन बॉडी बैलेंस में रहेगा और सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जिसके वजह से कार्डियक कॉन्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, क्योंकि फ्लूड सर्कुलेट करने के लिए हार्ट को कुछ लिक्विड मिलेगा नहीं, ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सॉल्ट इन द ब्लड पर्टिकुलरली सोडियम, सोडियम की डिफिशेंसी हो जाएगी जनरली, सॉरी एक्सेसिव हो जाएगी सोडियम, दे पर्टिकुलरली सोडियम।
पोलियोरिया, हाँ, ये ऐसी कंडीशन में जब डेवलप होती है, डायरिया की कंडीशन में, जब लॉस एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता है डायरिया कंडीशन में, तो इसीलिए आरएल चढ़ाया जाता है। और डीएनएस भी रियर कुछ लोग देते हैं या डेक्सट्रोज देते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर डायरिया के पेशेंट्स को आरएल चढ़ाया जाता है। आरएल इसीलिए चढ़ाया जाता है कि उसमें इसी के हिसाब से बनाए गए, डिहाइड्रेशन के हिसाब से, और सोडियम की क्वांटिटी उसमें बहुत कम की बार है, बल्कि एबसेंट ही कहा जाए इसमें। पॉली यूरिया ग्रेटर देन 31 to 24 पर आवर, चेक यूरिन एसजी एंड ऑस्मोलिटी, प्लाज्मा ऑस्मोलिटी सीरम सोडियम चेक करते हैं, हाइपरटोनिक यूरिन, ऑस्मेटिक डायरेसिस चेक फॉर द स्पेसिफिक कॉज, हाइपोटोनिक यूरिन एसजी लेस देन 1005, ऑस्मोलिटी लेस देन 300 मॉस्मो केजी, चेक सीरम कैल्शियम एंड पोटेशियम लेवल्स, करेक्ट इफ एबनॉर्मल। डायबिटीज इंसिपिडस हेमोडायनेमिकली स्टेबल और हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल, दो कंडीशन होगी। पहले हम देख लेते हैं हेमोडायनेमिक स्टेबल, कॉन्सियस विद इंटैक्ट सेंसेशन ऑफ थर्स्ट, प्यास लगेगी, प्यास की बार बार क्वांटिटी हो, पानी वाटर की क्वांटिटी बार बार बॉडी डिमांड करेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और क्या है हेमोडो नेमिकली स्टेबल, स्टेबल की कंडीशन में, कॉन्शियस बट नॉट थर्स्टी, इसके अंदर कॉन्शियस बट नॉट थर्स्टी, यहाँ प्यास नहीं लगेगी। डिस्पेक्टेड डिस्पेप्सिक डीआई, इंक्रीज ड्रिंक ऑफ थर्स्ट इफ यूरिन 250 ग्रेटर देन आउटपुट पर एमएल पर आवर, सॉरी पर ले हाँ लीटर पर आवर, एडमिनिस्ट्रेटेड DDAVP, पैरेंटियल फ्लूड्स 5%, डेक्सट्रो सोडियम इनिशियली, फ्लूड ऑन स्लाइडिंग स्केल ऑफ एडिपिक DI इज सस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटेड DDAVP। यहाँ पे हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल फ्लूड रिप्लेसमेंट नॉर्मल स्लाइन, फर्स्ट नॉर्मल स्लाइन दी जाएगी, देन 5% डेक्सट्रोज एडमिनिस्ट्रेटेड DDAVP। DDAVP इनिशियल डज ऑफ 0.4 1 माइक्रोग्राम IV पर सेकेंड कंटिन्यूस, सबक्वेंटली डोजिंग गाइड बाय द मॉनिटरिंग ऑफ द फ्लूड एंड सोडियम बैलेंस। ओके, इन ऑल केसेस चेक रेगुलरली द यूरिन आउटपुट SG प्लाज्मा एंड यूरिन ऑस्मोलिटी फ्लूड बैलेंस एंड प्लाज्मा सोडियम ट्रेगेट, न्यूट्रल फ्लूड बैलेंस विद नॉर्मल यूरिन आउटपुट, स्लो करेक्टली हाइपर नेट्रीमिया ग्रेटर देन 10 मोल पर 1 आवर और 24 आवर, अंटिल नॉर्मल प्लाज्मा सोडियम और माइल्ड हाइपरट्रेमिया सोडियम ग्रेटर देन 150 मोल पर लीटर। ऑन डिस्चार्ज ट्रायल ऑफ DDAP चेक प्रेजेंटिंग यूरिन हाइपोथैलेमिक यूरिन, इफ एबनॉर्मल रिजॉल्व स्टॉप DDAVP, अगर एब नॉर्मल है तो DDAVP नहीं दिया जाएगा। एक मिनट, इसको एग्जिट करके यहाँ पे लास्ट की पोजीशन देख ले जाए, कार्बामेज़ेपाइन और थाइज़ाइड ये इंजेक्शंस के नाम है, इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, हाँ, सस्पेक्टेड हाइपोटोनिक
पॉलीयूरिया, कंफर्म दिस पर्सन्स पॉलीयूरिया ग्रेटर देन 50 मिलीलीटर पर केजी 24 आवर्स, यूरिनरी वॉल्यूम लेस देन 50 ml पर केजी 24 आवर, यूरिन ऑस्मोलिटी, ये हम पढ़ने में जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, ये आप लोग खुद पढ़ने के दे देंगे, जो ख़ास ख़ास चीज़ें हैं उसे हम ले लेते हैं। हिप्नोटेरेमिया, सीरम ऑस्मोलिटी, ये सारे बैलेंस हैं। एक मिनट एक बार और चेक कर लेंगे इसको। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सीरम ऑस्मोलिटी, आइसोटोनिक हिप्नो हिपो हाइपोनेट्रेमिया, हाइपर प्रोटेनेमिया, हाइपर लिपिडीमिया, ग्लाइकोमोरेशन, ट्राइग्लिसराइड, रेयर कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग कंडीशन है। हाइपो वैलेमिक, इसमें डिहाइड्रेशन है, डायरिया है, वोमिटिंग है। तो यहाँ क्या देंगे, डिहाइड्रेशन में, डायरिया और वोमिटिंग में एस10 और WE यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऐड कर देते हैं। S10 प्लस WE, 1 लीटर वाटर में 10 ड्रॉप डाल देंगे और कंटिन्यू और थोड़ी थोड़ी देर पे इसे देते रहेंगे। ओके, ओके, अब यहाँ पे सेकंड में आ रहा है हाइपो वैलेमिक, इसमें यूरिन में सोडियम ग्रेटर देन 20 मिली, रीनल सॉल्ट लॉस, डायरेटिक, ACE इनहिबिटर, नेफ्रोपैथिस, माइनर एल्कोकॉर्टिकॉइड डिफिशेंसी और सेरिब्रम सोडियम वेस्टिंग सिंड्रोम। और इसमें हम कंटिन्यू डिहाइड्रेशन की पोजीशन में ही देंगे, और जो सॉल्ट का अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसे अगर ज़्यादा डिफिशेंसी ये हो रही है तो हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कंटिन्यू चलता फिरता ट्रीटमेंट लेता है तो बेहतर है कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि ये सारे मैनेजमेंट जो है DNS की है या RL की है, डिहाइड्रेशन की पोजीशन में अपने पास से कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे ही अगर इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड कर दें, कंटिन्यू अपनी मेडिसिन को चलाते रहें। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है डायरिया जैसे कि नहीं हुआ, डायरिया बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर पेशेंट्स को हाथ लगाना सही नहीं रहेगा, और अगर जैसे कि सन स्ट्रोक में डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हुई है तो वहाँ पर डायबिटीज़ के पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना सही रहेगा। वोमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो गई है और पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है तो इस कंडीशन में पेशेंट को पास में रखना सही नहीं रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनको फौरन मैनेज करने की ज़रूरत होती है, जिसमें RL या D5 डेक्सट्रोज 5 देना होगा या DNS देना होगा। यहाँ पर अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ पर जो मेडिसिन सिलेक्शन है, रीज़न वहाँ पे समझ में आता है किस तरीके से हमें रीज़न क्या देंगे।
सबसे पहले इस पूरे सेक्शन पे हम C17 अकेली लिख देते हैं, ठीक। C17 यहाँ पे आ गई। अलग अलग पार्ट में हम मेडिसिन यहाँ लिख रहे हैं, रीजन जो देने का है सेफ उसको हम एक्सप्लेन यहाँ कर रहे हैं। इसको यहाँ पे बोल्ड कर दे रहे हैं इसको। अब A3 का यूज जो होता है यहाँ पर, यहाँ कर रहे हैं। एक मिनट इसको डल कर दें, वरना फिर जी ट्रांसपेरेंट होगा, जिससे पीछे इजीली दिखता रहेगा सेक्शन। A3 का वर्क यहां पर, अगर हमें A3 देते हैं A1 का, यहां देख सकते हैं A1 का यूज RT पे है। जी RT पे A1 का यूज है। ये वेन है, यहाँ पर हम A2 लिख देते हैं, जिससे कि आइडिया रहे यहाँ पे हमें अगर ट्रीटमेंट देना है तो A2 और A1 कब देना है और A3 क्यों देना है। ये हो गया A2, इसे भी ट्रांसपेरेंट कर दें। अब A3 का जो है सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम पे वर्क आता है, तो ये इस बीच में हम, ये कैपिलरीज है जिसमें मुझे आर्टरी और वेन और सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ से न्यूट्रिशंस यहाँ पे अवेलेबल हो रहा सेल को, और सेल से वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्शंस हैं, वो वेन के जरिए आउटफ्लो हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों को एट ए टाइम कहीं पे भी अगर हम यूज़ करना है तो A1 A3 को यूज़ करेंगे। आउटफ्लो होने का, प्रोडक्शन कम होने का मतलब है हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स का, यहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों की डिफिशेंसी क्रिएट हो रही है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप हो गई है। ये थोड़ा सा छोटा इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि ओके ये यहां पे सेट कर दिया। A1, A3, A3 दोनों पोर्शन पे हैं, A1 और A2 का भी काम कर रही हैं, तो यहाँ पर इसे दे देते हैं। अब आया ये क्या है,
इनफंडिबल हाइपोथैलेमस, ये हो गया न्यूरॉन, जे इसे सर्कुलेट करने का काम करता है। न्यूरो सेक्रेटरी सेल, यहाँ से न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स डेवलप हो रहे हैं, तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, रिलीज कराने के लिए हम आरई का यूज करेंगे। रेड कर देते हैं क्योंकि रेडी इजली दिखेगा सभी जगह पे। ओके ये हो गया। अब यहां पे बचा F1, तो ये पूरे सेक्शंस को मूव करने के लिए, ये जो इसके थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा F1 को। इसको भी रेड कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। इसमें कंप्लीट हो गया। यहां पर S1 न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के लिए यहां पे यूज किया जाएगा, जो सेल्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगी। इनके स्ट्रक्चर को हेल्प करने के लिए यहाँ पर हम S1 का यूज करेंगे, इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस कराएगी ऐसे C17 के साथ मिलकर के। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके यहां पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहां के लिए हम यूज करेंगे S6, वहाँ यूज़ हो रहा, सॉरी A1 वहाँ भी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा। फिर सेंट्री कर लेते हैं हम मेडिसिन की। ADH डिफिशेंसी यहाँ से हाइपोथैलेमस ग्लैंड से हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीनल डिजीज ADH और ड्रग लिथियम यहाँ पर जा कर के इसे ब्लॉक कर रही है, और
एडीएच प्रोटीएज यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, जिसके वजह से ये रिटेंशन ऑफ मोर देन यूरिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसे लिथियम को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम S1 तो ऑलरेडी बाहर जा रही है टॉक्सिकेशन को रिमूव करने के लिए, यहाँ पे इनके हेल्प के लिए हम टैक्सिन को बाहर निकालने के लिए S6 प्लस C6 कर लेते हैं, और प्लस अगर A1 वहाँ दे रहे हैं तो A3 यहाँ कर देंगे, और अगर A3 यहाँ दे रहे हैं तो A1 वहाँ करेंगे। एक कोई अलग चेंज करेंगे हम, और यहाँ पर हम W यूज कर लेते हैं। ये हो गए कंप्लीट, यहाँ पे आपके डायबिटीज का ट्रीटमेंट ये दोनों मिला के कंप्लीट हो रहा है। अब इसे सपोर्ट के लिए S10 आफ्टर मिल्स और S1 वाली जो C17 वाली जो मेडिसिन दी गई है जिसमें है C17 के साथ, उसे बिफोर मिल्स कर देते हैं। और लीवर को मैनेज करने के लिए जिसमें S5 अलग से फॉर द लीवर यूज कर लेते हैं। देखिए रीजन क्या है, पैराबेंट्रिकुलम न्यूक्लियस, सेंट्रल डायबिटीज कॉज इंसिपिडस, ट्यूमर्स, ट्रोमा, सर्जरी। रीजन है इन तीन में से, या तो ट्यूमर होगा ब्रेन के अंदर, या तो ट्रोमा होगा, या तो सर्जरी होगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, न्यूरोनल एक्सोन ऑफ द हाइपोथैलेमिक हाइपो फ्लेस फ्लेसियल ट्रैक, हाइपोफ्लेसियल ट्रैक, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें नेफ्रॉन इन्वॉल्व है, रीनल डिजीज हो जाएगी। तो रीनल डिजीज के लिए हमने यहाँ पर कंप्लीट इस सेक्शन को ये यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। ओके नहीं यहाँ पे नहीं सही है, यहाँ पे ही रहने देते हैं किडनी के पास, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम मिल रहा है। एडीएच अनरिस्पॉन्सिबल किडनी, तो हम इससे पहले वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लॉस ऑफ वाटर, पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा यूरिया, पॉली डिस्पेप्सिया, डिहाइड्रेशन। ऐसे भी अगर डिहाइड्रेशन अगर किसी को हो रहा है, S1 और WE अगर वेदर के अकॉर्डिंग हो रहा है तो उसमें खास करके चला जाए, और S10 भी अल्टरनेट में देना चाहिए जब वोमिट या डायरिया कॉज बन रहा हो तो। डायबिटीज इंसिपिडस, हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी, पिट्यूटरी ट्यूमर, कार्नोटोमी, ADH और वेसोपोरिन्स, DDAP, S&S, अप टू 20 लीटर यूरिन पर डे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑस्मोलेट्री, हाइपोप्लेमिया, हाइपो वेलेमिया, थर्स्टी, टेकेकार्डिया, BP डाउन होगा, प्यास इंक्रीज हो जाएगी, और टेकीकार्डिया BP जो है डिक्रीज हो जाएगी। नर्सिंग केयर मॉनिटर फ्लूड्स, नर्सिंग केयर में मॉनिटर फ्लूड्स किया जाएगा, रिप्लेस फ्लूड्स, न्यूरो स्टेटस, वाइटल साइंस, म्यूकस,
मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन, वाइटल साइंस, न्यूरो स्टेटस, ये हमारी मेडिसिन से मेंटेन हो जाएगा। अगर आपको टीएनएस बैलेंस करना आता है, लगाना आता है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है, तो आप लगा सकते हैं, वरना फिर हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है। एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, वेसोपोरिन, DDAP। इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एंजाइम, ये कॉज बन रहा है। किडनी क्या हो रहा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशंस, स्टिफ और ओवर फील्ड वेंट्रिकल्स, इसमें क्या होगा, स्टिफ हो गए और ओवर फील्ड फेल्ड होगा वेंट्रिकल, ठीक है। फिर रीनल इंजरी, अभी इस कार्डियक प्रॉब्लम जो यहाँ पे है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन, हाइपरटेंशन, इसके कॉज से रीनल इंजरी, मायोकार्डियल डिसफंक्शन और वैस्कुलर स्टिफनेसेस। हार्ट कॉज बना रहा रीनल के लिए और रीनल कॉज बना रहा हार्ट के लिए, दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों के बीच में कहीं भी प्रॉब्लम होगी, किडनी पे प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। तो इसीलिए जब हम कार्डियक पेशेंट का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो S6 देना हमें ज़रूरी आता है, C6 ना दें। रीज़न क्या है, C6 इसके टिश्यूज़ के लिए दी जाती है। अगर टिश्यूज़ सिर्फ फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो फंक्शनल मेडिसिन S ग्रुप की है, S6 हम दे सकते हैं। और अगर टिश्यूज़ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, टिश्यूज़ कॉज बन रहा है, तो टिश्यूज़ की भी ऐड करके, जैसे यहाँ पे डायबिटीज़ के लिए किया है, नेफ्राइटिस के लिए, तो C6 हमने यूज़ किया तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे मायोकार्डियल डिसफंक्शन, उसके वजह से अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नेफ्राइटिस यहाँ पे डेवलप हो रही है, तो यहाँ पर हम C6 ऐड कर देंगे, वरना नहीं है। इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन के लिए हम C5 ऐड कर देंगे, S6 के बाद साथ S6 C5 और A1 या R3 और WE, ओके। डायबिटीज इंसिपिडस, सोडियम यूरिन डाइल्यूटेड, सोडियम सीरम कंसंट्रेटेड, यहाँ पे सोडियम यूरिन डाइल्यूटेड होगा, डाइल्यूट होगा सोडियम यूरिन में डाइल्यूट होगा, सीरम सोडियम इसमें कंसंट्रेट होगा। सेंट्रल डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ ADH, जो सेंट्रल पिट्यूटरी ग्लैंड से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डिक्रीज होगा सेक्रेशन ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। तो जो अभी हमने ऊपर ट्रीटमेंट दिया है वो कल इसमें मर्ज करेंगे, वो बार बार स्लाइड को बैक कर रहे हैं तो प्रोग्राम दिन में ख़त्म होगा। कॉज आइडियोपैथिक हेड ट्रोमा, पिट्यूटरी ट्रोमा, न्यूरोसर्जरी, ओके। नेफ्रोजेनिक्स कॉज है किडनी रेजिस्टेंस टू ADH, डिक्रीज हो रही है, यहाँ रेजिस्टेंस हो रही है ADH, तो हमें दोनों को अल्टरनेट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, जो यहाँ से प्रोड्यूस होना चाहिए, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, डिफिशेंसी क्रिएट हो रही है, इसलिए किडनी कॉज लिथियम टॉक्सिसिटी, रीनल डिजीज, हाइपोक्लेमिया, प्रेगनेंसी, मेडिकेशंस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लिथियम, लिथियम का यूज़ हमारे बैटरी के अंदर होता है, लिथियम मेडिसिन के अंदर भी कुछ जगहों पर यूज़ कर जाती है, लिथियम का यूज़ सोनोग्राफी एक्सरे के अंदर भी बताया गया है। लिथियम के ऊपर पूरा हमारा लेक्चर अलग तैयार है, उसमें से कुछ कंटेंट्स डायबिटीज़ के बाद लिथियम क्या रोल करता है हमारी बॉडी पे, और उसके लिए दे देंगे। लिथियम इज़ अ यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट एपिसोड्स ऑफ मेनिया, फ्रेंजीड, एबनॉर्मल एक्साइटेड मूड। लिथियम से क्या होता है, लिथियम ये यूज टू ट्रीट, ट्रीटमेंट की ज़रूरत, एंड प्रिवेंट एपिसोड्स ऑफ मेनिया, पागलपन को रोकता है लिथियम। फ्रेजेड एबनॉर्मल एक्साइटमेंट मूड, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लोग हो जाते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं, तो ये एक तरीके का मेनिया है, उसे कंट्रोल करने के लिए लिथियम का यूज़ किया जाता है। इन पीपल विद बायोपोलर डिसऑर्डर्स, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर आर डिजीज डेट कॉज एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशंस, एपिसोड ऑफ मैनिया,
एंड अदर एबनॉर्मल मूड्स, कोई भी टाइप का है जैसे डिप्रेशन है या फिर एपिसोड्स ऑफ मेनिया। लिथियम इज इन ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल्ड एंटी मैनिक एजेंट। एंटी मैनिक एजेंट के तहत इसका यूज़ किया जाता है। हमें याद नहीं था कि इसमें इस चीज़ को हमने ऐड कर लिया है, अलग से प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर थ्री यूज लिथियम, हमारी बॉडी में लिथियम कैसे पहुंच रही है, उसका यूज़ क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ लिथियम इज़ इन रिचार्जेबल बैटरीज फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमरास एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लिथियम इज ऑल्सो यूज इन सम नॉन रिचार्जेबल बैटरीज फॉर थिंकिंग लाइक हार्ट पेस मेकरस, टॉयस एंड क्लॉक। अब ये पहुँचने का जो रास्ता है, कई बार होता है कि लोग वर्क करते हैं, बैटरी लीकेज हो गई है और प्रॉपर हैंड्स को वॉश नहीं किया और हैंड्स में उसके लीक हुए जो एलिमेंट्स हैं वो लग गए हैं लिथियम, जिसके वजह से भी बॉडी के अंदर जा सकती है, बच्चों के बॉडी में भी जा सकती है, तो कम उम्र में भी डायबिटीज़ का कॉज बन सकता है। व्हाट फूड कंटेंस लिथियम, लिथियम इन फूड प्रोडक्ट्स द मेन सोर्स ऑफ लाई इन द डाइट आर सीरियल्स, पोटैटोज, टोमेटोज। ये हमारे फूड्स के अंदर लिथियम प्रोड्यूस करते हैं, लिथियम होते हैं, तो ये हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से पहुँचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर ज़्यादा ग्रेप्स वहाँ पर डालने जा रहे हों, जैसे मीन्स डस्ट वहाँ पर डाली जाती हो, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं शहर के लिए आके डालते हैं, वहाँ से होता हुआ अगर उसमें इस टाइप की लिथियम बैटरी का यूज़, टूटी हुई बैटरियाँ यूज़ हो रही हैं, तो उस वो वाटर जैसे रेन वाटर के ज़रिए वो रिवर के अंदर जाता है और रिवर से जो वाटर हमें मिलता है ये ज़मीन के अंदर चले जाता है, अर्थ के अंदर चली जाती हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं लिथियम क्वान्टिटी को और जिस वजह से हमारी बॉडी इफ़ेक्टिव हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉज है ये पोटैटोज़ के अंदर नेचुरल पाई जाती है, इसीलिए जब डायबिटीज़ होता है पेशेंट को तो हम सीरियल्स फूड्स में मना कर देते हैं, पोटैटोज़ को मना कर देते हैं, टोमेटोज़ को मना कर देते हैं, कैबेज को मना करते हैं एंड सम मिनरल्स वाटर्स, और कुछ मिनरल्स वाटर्स को भी मना कर देते हैं। इट मे ऑल्सो बी फाउंड इन सम स्पाइसेस, कुछ स्पाइसेस के जरिए भी ये चीज़ हमारे पास पहुँच सकती है, सच एज नटमेग, कोरिएंडर सीड्स, ये भी लिथियम प्रोड्यूस करती है, आर्क्यूमिन। हाउएवर देयर इज शेयर इन द टोटल सप्लाई दिस लिथियम इज अ निग्लिजिबल इन मेनी ज्योग्राफिकल रीजन्स की वजह से होता है। अब ये समझ लें कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसके मतलब है कि वो पेशेंट्स सीरियल्स तो जिसमें है मौजूद, किसी में कम किसी में ज़्यादा है, उस हिसाब से हम डाइटिंग चार्ट बना के देते हैं पेशेंट्स को, उसी के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो यहाँ पर हमें S1 हमारा बॉडी से ओवर इंट्रासेलुलर जो लिथियम क्वांटिटी है वो टैक्सिन प्रोड्यूस कर रही है बॉडी को, तो S1 यहाँ पर सबसे पहले उस टैक्सिन को यूटिलाइज कर देती है, बॉडी से बाहर कर देती है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट यह है। और अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है और साथ में फिर ये इन चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में बॉडी में लिथियम कैपेसिटी बढ़ जाती है, या किसी एक ख़ास चीज़ पे ज़्यादा उतर जाना खाना खाने के लिए, तो जैसे कि इसमें सीरियल्स में हमारे पास 10% है, 20% पोटैटोज़ में है। अब सीरियल और पोटैटोज़ एक साथ हम कंटिन्यू बहुत ज़्यादा दिनों तक खाएँ और हमारी बॉडी इफ़ेक्ट हो गई है जिसमें लिथियम को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में लिथियम हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, लिथियम की क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है और ये लिथियम हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अफेक्ट करता है, जिसके वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में ये सीरियल्स और पोटैटोज़ की एक डाइट जो चार्ट है वो चार्ट बना देना है, जैसे कि बॉडी के अंदर कम से कम क्वांटिटी में पहुंच सके। एंड सम मिनरल्स वाटर्स, इट मे आल्सो बी फाउंड इन सम स्पाइसेस, कुछ मसालों के अंदर होता है, सच एज नटमेग के अंदर,
कोरिएंडर सीड, ऐसे लोगों को कोरिएंडर सीड से मना कर देते हैं कि भाई आप मत यूज़ करो, कोमिन में है होता है। हाउ एवर देयर शेयर इन द टोटल सप्लाई दिस एलिमेंट्स इज़ द नेग्लिजिबल इन मैनी ग्राफिक रीजन, और कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। डू ह्यूमन नीड लिथियम, क्या लिथियम की बॉडी ज़रूरत होती है बॉडी को? लिथियम इज़ ए नेचुरल अकरिंग अल्कलाई मेटल, ये नेचुरल अल्कलाई मेटल है, जैसे कि देखा अभी आपने कैबिज के अंदर मिला है, सीरियल्स के अंदर है, पोटैटोज़ के अंदर है, और कोरिएंडर सीड्स के अंदर है, तमाम सी चीज़ों में पाया जा रहा है। विच लाइंग ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट फ्रॉम डायट्री सोर्स एंड विच इज ऑल्सो प्रजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, ट्रेस अमाउंट्स पाया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं पाया जाता। ये कब डेवलप होगा ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर? जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम फेल होगा, ऑटो इम्यून सिस्टम फेल होगा। ऑटो इम्यून सिस्टम का मतलब हमारा ये नहीं है, मीन्स यू नहीं है कि हमें वायरस से ही प्रोटेक्ट करे। ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा टेम्परेचर से भी फाइट करता है, इन्फेक्शन से भी फाइट करता है, और टैक्सिन से भी फाइट करता है। तो इन्वायरमेंट से भी बाई गैसियस आ रहा है तो भी हमारी बॉडी उसे मैनेज करेगी, और अगर वाटर बाई फूड आ रहा है तो मेटाबोलाइज कर देंगे, बाई ड्रग्स आ रहा है तो उसे मेटाबोलाइज कर रहा है, बाई वाटर आ रहा है तो उसे मेटाबोलाइज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर देखते हुए इस चीज़ को यहाँ पर हमारा S1 लेना मस्ट हो जाता है पेशेंट को, फर्स्ट डोज S1। इसीलिए इलेक्ट्रोहोमोपैथ में बार बार कही जा रही है फर्स्ट चॉइस रखी गई है S1 बिफोर मिल्स के लिए। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं लिथियम एज ए नेचुरल, तो इसे मैनेज करने के लिए हम लास्ट में हम ऐड कर देते हैं, इसे मैनेज करने के लिए, मेटाबोलाइज करने, इसकी टैक्सिन को ख़त्म करने के लिए हम S1 यूज़ करते हैं। चलते हैं, ठीक है, ये हो गया, इसको इनलार्ज कर लेते हैं। इसलिए हमारी पूरी प्रैक्टिस के अंदर और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है S1 का, बॉडी के अंदर से सारी टैक्सिन्स को रिमूव करने का काम S1 अपने अंदर रखे हुए है, और सेल एस इंट्रा सेलर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसे कलर नहीं करके इसे वाइट, ओके जी। तो यहाँ पे हो गया सोर्स एंड विच इज़ द आल्सो प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स, इन द ट्रेस अमाउंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमन बॉडी इन मच हायर कंसंट्रेशन, जब इसका कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। लिथियम इज अफेक्ट एज अ मेडिकेशन फॉर मेनिया, और एक मिनट स्लाइड को बड़ा कर लें, ठीक है। तो इज अफेक्ट एज ए मेडिकेशन, मेडिकेशन को इफेक्ट करता है फॉर मेनिया एंड मूड स्विंग्स इंक्लूडिंग मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इस टाइप के बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं, और इसी टाइप के फिर ट्रीटमेंट्स में यूज़ किया जाता है हाइपर एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए। जैसे कि हाइपर एक्टिविटीज़ हो गई, मूड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, तो लिथियम देख करके उसे थोड़ा सा शांत किया जाएगा, रिलैक्स किया जाएगा। तो यहाँ पर हम S1 का यूज़ करते हैं बिफोर मिल्स, ओके। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज़ द लिथियम बैड फॉर ह्यूमंस? लिथियम में ऑल्सो कॉज इररेगुलर हार्ट बीट, लिथियम की वजह से भी हार्ट बीट होगी, इम्प्रूव करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम जब कार्डियक पेशेंट का ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी बिफोर मिल्स हम S1 देंगे। ड्राइंग एंड थिनिंग ऑफ हेयर, इससे हेयर पतले हो जाएंगे, बारीक हो जाएंगे, थिन्स हो जाएंगे और ड्राई रहेंगे, ओके। एलोपेसिया एलोपेसिया भी कॉज होगा, ड्राई माउथ, वेट गेन, इचिंग्स, इचनेस एंड अदर साइड इफेक्ट्स, और भी बहुत साइड इफेक्ट। तो अब यहाँ इन सारी चीज़ों के लिए हार्ट बीट
जो इंक्रीज करेगा वो एक एनजाइट को ग्रुप की मेडिसिन आती है, तो ठीक है यहाँ पे मेडिसिन ऐड कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा हेल्प मिलेगी स्टडीज करने वालों को। ये चल यहाँ पर A3 ले लेते हैं। इंसर्ट नहीं करना मुझे, इसे निकाल दें। हार्ट बीट को हमें मेंटेन करना है तो A3 देना होगा। ओके, ड्राइंग एंड थिनिंग हेयर, तो इसमें भी हम S1 यूज़ कर लेंगे। कई जगह पे प्लेस पे दिया गया है कि S1 भी हेयर को इम्प्रूव करता है, तो इसी वजह से दिया गया है क्योंकि इतनी डीप स्टडीज़ तो वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि टैक्सिन की वजह से ये चीज़ ड्राई एंड थिनिंग हेयर हो रहा है, तो S1 वहाँ पे यूज़ होगी। एलोपेशिया, यहाँ पे सेल्स को मैनेज करना है, S1 तो बिफोर मिल जा ही रहा है। एलोपेशिया के यहाँ पे हार्ट मेटाबोलाइज करता है, टैक्सिन को सेल्स के अंदर रिमूव करने का काम S1 का है, लेकिन किसी भी टैक्सिन को लीवर मेटाबोलाइज करता है, तो यहाँ लीवर की मेडिसिन हम ऐड कर देते हैं S5 और ऑब्लिक S10 हो जाती हैं। ओके, ड्राई माउथ, मुंह सूख रहा है, यहाँ पर हम S1 और WE दोनों कर देते हैं। हो गया, वेट गेन, इचनेसेस, S1 बिफोर मिल्स ऑलरेडी हर जगह पे आ रही है, एंड अदर साइड इफेक्ट, सारे साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट S1 से ही आएगा, लेकिन नॉर्मल हार्ट बीट्स के अंदर यूज़ किया जाएगा। और एलोपेशिया और आफ्टर मिल्स S10 देते हैं तो लीवर मेटाबॉलिक सिस्टम मेंटेन हो जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म्स यूज़ में लीड टू किडनी डिजीज, अगर बहुत वक्त तक यूज़ किया गया तो किडनी डिजीज डेवलप हो जाएगी। फिर इसके बाद हाई ब्लड कैल्शियम लेवल्स, इससे हाई ब्लड कैल्शियम लेवल हो जाएगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म और आर अदर थायराइड प्रॉब्लम आज रीज़न देख सकते हैं कि रीज़न ज़्यादातर हाइपर थायराइड्स और या फिर हाइपोथायराइड्स कॉज डेवलप हो रहे हैं, इसका रीज़न आगे है देख सकते हैं। ये लिथियम कार्बोनेट प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री वार्ड से लिया गया है, लिथियम की ही जो स्टडीज़ कर रहे थे वहाँ मिला मुझे। अब ये कितनी चॉइस और कितनी हॉबीज़ होती है इस चीज़ को लेने की, कोको कोला है, कोक है, पेप्सी है, साफ लिखा हुआ है इसके जो यहाँ पे से हमने लिया है लिथियम कार्बोनेट प्रोडक्ट्स, तो इससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होगा। हमारे अभी कुछ दिनों पहले रमज़ान था, पिछले साल तो लॉकडाउन था, उससे पहले बात आई, मुफ्त आकर के बाहर बांट रहे थे एनर्जेटिक सप्लीमेंट, कंपनियां एनर्जेटिक सप्लीमेंट फास्ट रखते हैं, कोई भी हो, किसी भी रिलीजियस का हो, फास्ट रखेगा एनर्जी डाउन होगी, लेकिन
जैसे ही इस चीज़ को लेगा एनर्जी अप होगी, लेकिन इसकी कॉज वहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया कि पेपर में आर्टिकल्स भी आया था, हमने पढ़ा भी था सुना भी था कि पेप्सी पीने से या फिर किसी भी फास्ट में लोग अक्सर रमज़ान के महीने में रोज़ा रख करके शाम को फ्रेश होने के लिए पेप्सी है, कोका है या कोक है, इस टाइप की चीज़ें एनर्जेटिक बूस्ट एनर्जेटिक वाली चीज़ें लेते हैं। तो कहा यह गया था कि जैसे ही ये पीते हैं अच्छा तो लगता है, एनर्जी फील होती है, लेकिन और उससे ज़्यादा प्यास महसूस होती है। प्यास को बजाय कम करने को, थ्रस्ट को कम करने को, थ्रस्ट को इंक्रीज़ करता है। और फिर जैसे ही वो पीते हैं यूरिन भी पास होती है। तो ये यहाँ पे डायबिटीज़ का कॉज, इंसिपिडस डायबिटीज़ का कॉज यहाँ पे पेप्सी और कोको कोला और कोक बना रहे हैं। ये मुझे व्हाट इज़ द ड्रग लिथियम यूज फॉर, लिथियम इज़ ए टाइप ऑफ मेडिसिन नाउ एज मूड स्टेबलाइजर। अब किसी का मूड नहीं है, मूड कुछ डिस्टर्ब है, तो मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स बनती हैं इससे। तो ज़्यादातर लोग मूड स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं जिसमें मूड बन जाए किसी चीज़ का। इट्स यूज टू ट्रीट मूड डिसऑर्डर सच एज मेनिया, मेनिया में होता है फीलिंग हाईली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करना, ओवर एक्टिव और डिस्ट्रेस्ड, या तो बहुत ज़्यादा कुछ या तो कुछ भी नहीं, हाइपोमीनिया सिमिलर टू मेनिया बट लेस सीवियर। ओके, तो ये मेडिसिन इस टाइप से मूड बनाने वाली जो मेडिसिन होती है, अब जैसे कि किसी ने डिप्रेस था या एनेक्जिटी फील कर रहा था, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है और हमेशा एक्साइटेड रहता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ये लिथियम डोज दे दिया, कुछ दिन लिया बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद पता चला कि आदत सी हो गई, इसके बगैर चलता नहीं है, नहीं चलता, बाद में डायबिटीज डेवलप हो गई। हो गई कॉज, कौन सी डायबिटीज यहाँ पे, किस टाइप की डायबिटीज डेवलप हुई, ये डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ पे डेवलप हो रही है। लिथियम इज अप्रूव्ड बाय द US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA एज ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन फॉर बायोपोलर डिसऑर्डर्स। इट हेल्प्स स्टेबलाइज पेशेंट्स क्विकली। इट इज ऑल्सो यूज इन लोअर अमाउंट्स टू प्रिवेंट अनदर एपिसोड। नो रिसर्च हैज एवलेटेड द यूज ऑफ इट लिथियम सप्लीमेंट्स फॉर बायोपोलर डिसऑर्डर। इसका भी कोई रिसर्च में नहीं मिल पाया है, सॉरी हमने टाइम पे नज़र नहीं रखा, 10:30 सोने जा रहा है, तो यहाँ से हम व्हाट इज़ लिथियम टॉक्सिसिटी, क्योंकि इसे मुझे जानना ज़रूरी है, कॉज ये डायबिटीज़ का बना रहा है, बॉडी में और किन टाइप के कॉजेज को डेवलप करता है, और हमारे पास पेशेंट्स इन सारी मेडिसिनों को लेके आते हैं, तो हमें इस मेडिसिन के को बॉडी से रिमूव भी करना है, अगर रिमूव नहीं करेंगे तो पेशेंट अच्छा नहीं होगा, जिस कंडीशन में रहेगा उसी कंडीशन में पड़ा रहेगा, तो हमें ज़रूरत है कि हम पेशेंट्स को क्लीन करें, बॉडी को क्लीन करें, उसके सेल्स को क्लीन करें, और इसलिए मुझे समझना ज़रूरी है कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है, जो डिजीज डेवलप हो रही है, उसके कॉज कहाँ है, रूट्स कहाँ है, रूट्स और कॉज को हम समझेंगे तो परमानेंटली क्योर कर पाएंगे, वरना जैसे सिम्टोमेटिकली एलोपैथ होम्योपैथ आयुर्वेद ट्रीट कर पाते हैं, कंटिन्यू लगा रहता है प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू प्रॉब्लम नहीं लगे रहना है, देना है हमें परहेज़ वाली ज़िंदगी नहीं देना है, जो प्रिकॉशंस पे जीते हैं कि ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, एक बार ट्रीटमेंट देना है, जब एक बार ये डायबिटीज़ फ्री हो जाए पेशेंट, तो सभी कुछ खा सकता है, रेगुलर यूज़ कर सकता है। ओके, तो आज यहाँ पे हम प्रोग्राम्स को एंड कर रहे हैं।